हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रिमझिम के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 पडक्कू की सूझ। यह एक कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कविता। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कविता पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। उसके बाद हम आपको कविता का सारांश बताएंगे, कविता की व्याख्या करेंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता पडक्कू की सूझ। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यह है आज की हमारी कविता पडक्कू की सूझ। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, आइए आप भी पढ़ें हमारे साथ। एक पडक्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा, उसने ऐसे अजी बिना देखे, लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है? रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? इसके बाद आइए अगली लाइनें पढ़ते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पडक्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पडक्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। और देखो बच्चों, यहाँ पर ये है हमारे इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं इस कविता का सारांश। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर पडक्कू की सूझ कविता का सारांश, यानी कि इस कविता में क्या कुछ कहा गया है, यह सब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान दें, पढ़ें और चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे नोट भी कर लें। एक पडक्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था। तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात न होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उनके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, मैं दौड़कर उसकी पूँछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। तो बच्चों, आगे इस पर पडक्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक
एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पडक्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कविता का सारांश। आइए आगे हम आपको बताते हैं कविता की लाइनों की व्याख्या, या जिसे आप कह सकते हैं उनका अर्थ। तो यहाँ पर जो है कविता की लाइनें आपने देखी, पहले भी आपने पढ़ी है, एक पडक्कू बड़े तेज थे तर्कशास्त्र पढ़ते थे। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर इन लाइनों की व्याख्या, यानी कि लाइनों का अर्थ, भावार्थ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक पडक्कू बड़े तेज थे तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब क्या होती है बच्चों? एक आदत होती है। आइए यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द हैं इनका भी हम आपको शब्दार्थ बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें शब्दार्थ इन लाइनों में, पडक्कू का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाला, तर्कशास्त्र का मतलब होता है एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है, और गढ़ते थे का मतलब होता है बनाते थे, फिक्र का मतलब चिंता, और गजब का मतलब विचित्र, और ढब का मतलब तरकीब, आदत का तरीका। आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इन लाइनों के लिए व्याख्या, यानी कि अर्थ से पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पडक्कू की सूझ से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने एक पडक्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। तो आप भी जब भावार्थ लिखेंगे इन लाइनों का ना, तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कविता की लाइनें, उसके बाद लिखेंगे आप उनका प्रसंग कि ये कविता कहाँ से ली गई है और कौन से पाठ की है, इसके लेखक कौन है। इस प्रकार से आप भी पहले भावार्थ लिखने से पहले प्रसंग लिखा करें। इसके बाद आइए पढ़ लेते हैं उन लाइनों का अर्थ। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप व्याख्या, व्याख्या मतलब खुलकर अर्थ देना। तो पडक्कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तेज थे, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पडक्कू चिंता में पड़ गए, लगे सोचने कि आखिर कोलू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा दिया होगा। इसके बाद आइए जान लेते हैं दूसरी लाइनों का भावार्थ। तो यहाँ पर आप देखें कविता, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो यहाँ पर बच्चों आपने पढ़ी है कविता की अन्य लाइनें। आइए यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं वे भी जान लें। भेद का मतलब होता है रहस्य, और गुप्त बात को क्या कहते हैं? भेद। अड़ता है, अड़ता मतलब रुकता है। पागुर क्या होता है? जुगाली करना। देखिए ना आपने बैल या गाय, ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। और प्रसंग के, यहाँ पर जो है प्रसंग की बात करते हैं, तो प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे कि आपने पहले ऊपर देखा था। प्रसंग कैसे था यहाँ पर? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पडक्कू की सूझ से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने एक पडक्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक लाइनों के ऊपर जो भी प्रसंग होगा इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे, इसलिए हम प्रसंग को बार बार आपको नहीं दिखा रहे हैं। प्रसंग हर बार आप इसी प्रकार लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ना यहाँ पर प्रसंग, प्रसंग यहाँ पर लिखा है, प्रसंग के बाद लिखा है पूर्ववत, मतलब कि जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है प्रसंग उसी प्रकार से आप लिखेंगे। पूर्ववत मतलब पहले की भांति।
और इसके बाद यहाँ पर करते हैं अर्थ की बात, तो व्याख्या क्या होगा इन लाइनों की व्याख्या। पटक्कू से नहीं रहा गया, एक दिन बैल के मालिक के पास पहुँच ही गए, पूछने लगे आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्हू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है या फिर जुगाली कर रहा है। मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या तुम देखते नहीं कि बैल के गर्दन में घंटी बंधी है, बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुका है। इसके बाद आइए अन्य लाइनें फिर देखते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो यहाँ पर बच्चों इन लाइनों में कुछ कठिन शब्द हैं, तो उनका अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। फिक्र का मतलब होता है चिंता, तनिक का मतलब थोड़ा, धरता हूँ का मतलब पकड़ता हूँ, कोरे का मतलब मूर्ख बेवकूफ, और मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र, अड़ जाए का मतलब रुक जाए। इस प्रकार से आप यहाँ पर कठिन शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और फिर आ गया प्रसंग, प्रसंग की बात करें तो पूर्ववत मतलब, जैसे कि आपको सबसे पहले हमने पूर्ववत में आपको प्रसंग बताया था कि यह कविता की लाइनें जो है हमारी हिंदी रिमझिम भाग चार से ली गई हैं, उसी प्रकार से आप इसे यहाँ पर प्रसंग की जगह पे लिखेंगे। और इन लाइनों की जो अर्थ है या व्याख्या जिसे कह सकते हैं हम, किस प्रकार से होगी आइए देख लेते हैं। पटक्कू को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। वह बैल के मालिक से पूछ बैठता है, इस विषय में बैल का मालिक उसे बताता है कि बैल के गले में घंटी बंधी है, यह जब तक बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है इसका मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर वह उसकी पूँछ ऐंठ देता है और बैल चल पड़ता है। पटक्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे, कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर आप खड़ा खड़ा लिखेंगे, खेड़ा यहाँ पर गलत आ रखा है, तो यहाँ पर खेड़ा ना लिख के आप लिखेंगे खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। इसके बाद आगे की लाइनें देखें आप, कविता की अंतिम लाइनें, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पटक्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। तो बच्चों ये थी यहाँ पर लाइनें कविता की, और इनमें जो कुछ कठिन शब्द हैं आइए यहाँ से देखें आप। सांझ का मतलब होता है शाम, संध्या, और मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र। अब बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग आप जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इनकी व्याख्या करने से पूर्व या इन लाइनों का अर्थ लिखने से पूर्व आप क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। और प्रसंग कैसे लिखेंगे कि यह कविता की लाइनें हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग चार से ली गई हैं, इसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद इन लाइनों का अर्थ लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इन लाइनों का अर्थ क्या होगा। मालिक ने पटक्कू से कहा, बैल के गले में बंधी घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि बैल चल रहा है। इस पर पटक्कू ने कहा, कभी कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए, तुम समझोगे कि बैल चल रहा है लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पटक्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है, अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, वह बिल्कुल सीधा साधा है। तो बच्चों ये था यहाँ पर कविता की लाइनों का अर्थ, और हमने ऊपर से आपको क्या बताया था, पाठ का सारांश, कविता पाठ का सारांश भी बताया। उम्मीद है कि आपको यह अर्थ और पाठ का सारांश अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इसे बार बार देख सकें, और चाहें तो आप इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें, आपको
स्वतः ही ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की। तो बच्चों ये है यहाँ पर कविता जो आपने पढ़ी उसके प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न यहाँ पर, पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो आपका उत्तर इस प्रकार से होगा, आप लिखेंगे आंसर या उत्तर आप लिख सकते हैं, एक दिन पड़क्कू समझ नहीं पाया कि कोल्लू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है। मालिक ने कहा, उनके गर्दन में बंधी घंटी की आवाज़ से। इस पर तर्कशास्त्री पड़क्कू ने कहा, कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा। पड़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री पड़क्कू बैलों को युक्तियों की बातें नहीं आती हैं क्योंकि उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो बच्चों इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कवि की कविताएं। और यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी, अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है। पहला है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया, और चाहो तो तीसरी की किताब पर फिर से देख सकते हो, ये आपके लिए लिखा हुआ है। और खै प्रश्न है यहाँ पर, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा। और अगला प्रश्न है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूँढो, कविताएँ इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे आप, पहले क का उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर इस प्रकार से होगा, क का उत्तर, हमें मिर्च का मजा कविता पढ़कर बहुत मजा आया, इसमें भोलेपन में काबुली वाले ने मिर्च को फल समझकर खा लिया था। और ख प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, हमें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा, वह भोला और सीधा था। और ग प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सभी बच्चे एक एक कविता ढूँढें फिर सब मिलाकर एक कविता की किताब बनाओ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो गै प्रश्न है कि किताब बनानी है आपने कविता की, तो क्या करें इसमें बच्चों कि आप सभी जितनी अपनी कक्षा में बच्चे हैं आपकी कक्षा में, वो सभी बच्चे एक एक कविता ढूंढें और उसको मिलाकर आप एक किताब बना सकते हैं, और जब किताब बन जाएगी तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर आपके लिए मुहावरे दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, मेहनत के मुहावरे। और यहाँ पर लिखा है, कोल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। इसके बाद मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए मुहावरे दे रखे हैं, ये हैं तीन मुहावरे, दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो आप क्या करेंगे, आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, दिन रात एक करना यहाँ पर होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा, उसने प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। इसके बाद पसीना बहाना, तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप, उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है। और इसके बाद अगला मुहावरा आपके लिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस प्रकार से आप तीनों मुहावरों का अर्थ यहाँ पर से देख सकते हैं और ऐसे ही आप लिखें। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, पड़क्कू के अंतर्गत पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा, पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो और उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो आप पहले का उत्तर क्या लिखेंगे, वह दिन रात पढ़ता होगा इसलिए उसका नाम पड़क्कू पड़ा होगा। और ख का उत्तर क्या लिखेंगे आप, मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करना चाहता हूँ इसलिए चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपना तरीका, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर अपना तरीका। तो ये यहाँ से आप प्रश्न देखें, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ,
तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। और ख वाला है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। और गै में है यहाँ पर, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढव है। और घ वाला है, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते थे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप कह कह गै घ का। तो पहले जो है आप देखें यहाँ पर कह का आंसर क्या होगा, मगर क्या शाम तक भी तुम्हें एक बूंद तेल मिल पाएगी, ये होगा। इसके बाद दूसरे में होगा, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, ये होगा खा का उत्तर। और इसके बाद गै का उत्तर होगा, इसने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है। और घ का उत्तर होगा, जहाँ कोई बात नहीं होती वहाँ भी नई बात बनाने लगते थे। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं यहाँ पर गढ़ना। गढ़ना जो है यहाँ पर, इसमें जो है पड़क्कू नई नई बात गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते थे। तो अगर आपने देखा यहाँ पर कि पड़क्कू क्या करता था, नई नई बात गढ़ता था, यानी कि नई नई बात बनाता था। तो ये लोग क्या करते हैं, सुनार क्या करता है, यहाँ पर लिखेंगे आप, लोहार क्या करता है, कवि क्या करता है, कुम्हार क्या करता है, ठटेरा क्या करता है, और लेखक क्या करता है। तो आपके लिए उत्तर इस प्रकार से होंगे कि सुनार क्या करता है, आपने देखा कभी सुनार, सुनार क्या करता है, गहना बनाता है। और कवि क्या करता है, कविता लिखता है। लोहार क्या करता है, लोहे की चीज़ें बनाता है। और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप देखें यहाँ पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। और इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पर ठठेरा, ठठेरा क्या करता है, धातु के बर्तन बनाता है। और लेखक क्या करता है, कहानी लिखता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर सबके आंसर हमने यहाँ पर दिए कि सुनार गहना बनाता है, कवि कविता लिखता है, लोहार का काम क्या है, लोहे की चीज़ें बनाना। और इसी प्रकार से लेखक का काम क्या है, कहानी लिखना। इसके बाद आइए बात करते हैं यहाँ पर खोजो की बात है, यहाँ पर अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ढव, भेद, गजब, मंतिक, छल, और इनके अर्थ आपने अक्षर जाल में खोजने। ये है आपके लिए अक्षर जाल, आप देख रहे हैं इसे, आप ध्यान दें एक बार, ये है बच्चों अक्षर जाल, आप देख रहे हैं इसे, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। और इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले कॉलम में तय, फिर क्रय, यहाँ पर लिखा है शास्त्र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है इन डिब्बों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है अर्थ क्या होगा, ढब का मतलब होगा तरीका, गजब का मतलब कमाल, और छल का मतलब धोखा, भेद का मतलब राज। तो आप देखें यहाँ पर, और मंतिक का मतलब क्या होगा, तर्कशास्त्र। तो इस प्रकार से बच्चों आपके यहाँ पर जो है इसी प्रश्न के साथ आपके पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश, पाठ का अर्थ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। यदि नहीं आए हैं समझ में अच्छे से, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें और बार बार इसे देखें जब तक कि अच्छे से आपको समझ नहीं आ जाता। इसी प्रकार अन्य पाठों को देखने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको ये जानकारियाँ और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर रोज़ इसी प्रकार अन्य पाठों के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको प्रत्येक आने वाले पाठ की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ आज लेते हैं विदा, आपका दिन शुभ हो।